नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। सो देवी और सज्जनों, आज जो हम क्वेश्चंस देखेंगे, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस डियर पीपल, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एओडी। दोस्तों, पहला सवाल है हमारे सामने, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू दिस। ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो मूव करता है अलोंग दिस कर्व। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब इनका ऐसा कहना है कि y कोऑर्डिनेट जो है 8 टाइम्स ऑफ x होगा, ऐसा पॉइंट को आप ढूंढिए। देखिए, बहुत ही सिंपल अब हो चुका है आपके लिए, डेरिवेटिव लेना है और सॉल्व करना है। चलो, इसी लीग में हम एक और सवाल को देखते हैं जिसके लिए आपको मेरे सॉल्यूशन की नीड पड़ेगी, वो है रेट मेजर। देखो, रेट मेजर पे ऐसा होता है, कई बार सवाल आता है। सो बेसिकली किड्स, आइए हम रेट मेजर को सॉल्व करते हैं। अ स्पेरिकल बबल इज एक्सपांडिंग। ठीक है, अ स्पेरिकल बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है वो एक्सपांड हो रही है, इट इज एट 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक चीज आप ख्याल में रखियो, ठीक है, अगर एक वर्ड आता है इंक्रीजिंग और एक वर्ड आता है डिक्रीजिंग, दिस इज डिनोटिंग डेरिवेटिव। इतना आप लिख के रख लो, क्योंकि यह डेरिवेटिव को ही प्रस्तुत कर रहा है। दिस इज एक्सप्लेनिंग नथिंग बट डेरिवेटिव। एट वॉट रेज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, when the radius is 5, इनका कहना है radius 5। मुझे यू मस्ट बी थिंकिंग डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्यों लिया है, p है, q है, r है, s है, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ सेकेंड दे रखा है ना, 0.2 सेंटीमीटर सेकेंड दे रखा है। चलो, स्पीयर की सरफेस एरिया पता है दोस्तों आपको? Do you know what is the surface area of sphere? Yes, आप सही सोच रहे हो, 4πr². If you take a derivative, that is ds upon dt, r square का derivative 2r, dr upon dt. Forget what is dr upon dt, यहाँ पे दे रखा है 0.2, है ना? तो हम रख देंगे 4π. इसको क्या रख देंगे, 0.2। सो इट कैन बी रिटन एज 2/10। आई थिंक मैं सही हूँ, है ना? और रेडियस उन्होंने 5 रखने को बोला है, तो रख देते हैं भाई, और क्या, ये तो गया 8π आ गया, है ना? एरिया इज इन अ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो किड्स, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो गेट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इट आई एम स्टार्ट नाउ। देखिए दोस्तों, आ रहा है क्या करना है, गिव अ ट्राई, प्लीज एक बारी ट्राई तो जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ और पूरी आइडियोलॉजी समझाता हूँ कि कैसे करना है।
द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग. हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये जो वर्ड है टिपिकली बताते हैं कि डेरिवेटिव लिया जा रहा है, विच इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग. एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग वेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6. तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल था, इजी सवाल था, कुछ भी इसमें खास दम नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट हिटिंग द सॉल्यूशन, है ना. सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं. सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या आती है, 4πr2. डू यू अग्री? हाँ, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है. इफ़ यू टेक अ डेरिवेटिव तो क्या आएगा बताओ, ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू 4πr2 का डेरिवेटिव 2r dr/dt. दोस्तों इतना तो क्लियर है, ds अपॉन dt यहाँ पर 2 है, ये है 4, ये है पाई और ये है 2r, ये है dr/dt. सो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि dr/dt इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 upon 4 pi r. सही है, ओके ना, लिख लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं. तो किड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर रीडिंग करते हैं तो क्या दिखता है हमको, एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग वैन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. इनका कहना है कि रेडियस जो है अगर 6 रहेगी तो वो कैसे इंक्रीज होगा. सो आइए दोस्तों हम वॉल्यूम पे सॉल्विंग करते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 πr³. इफ यू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज 4/3 आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² dr/dt. सो किड्स dr/dt इज 1/4πr. सो किड्स इसको कैंसिलेशन पे हम लोग उतारते हैं, दिस इज 4π. दोस्तों उन्होंने रेडियस दे रखी है यहाँ पे 6 का स्क्वायर. dr/dt की वैल्यू है 1/4πr. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग उतरते हैं 4π. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करेगा कमाल. ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे. आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ. प्लीज दोस्तों एक बार ही ट्राई करके देखिए आ रहा है क्या करने है. बहुत ही सहज सा सवाल है बच्चों ये.
दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इट वॉज अ रियली इजी वन. देखो सबसे पहले इन्होंने कहा है फाइंड ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज इंक्रीजिंग एट रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन द साइड इज दिस वन. सबसे पहले हमने उसका लिखा कि साइड इंक्रीज हो रही है रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, एरिया कितने मेजर से इंक्रीज होगी वो निकालना है, एरिया लिखी, डेरिवेटिव लिया और वैल्यू पुट कर दी. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. काफी अच्छा सवाल था, इजी सवाल था. नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है. सो वेलकम टू अनअकैडमी. बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए प्लस कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं जिसमें हम आपको हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 11th और 12th एज वेल एज 8, 9, 10th के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल है. बच्चों आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, वी विल प्रोवाइड यू वेरियस बैचेस, ठीक है. सो एक प्लस कोर्स के द्वारा आप सारी तैयारी कर सकते हैं. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश में जो लाइव क्लासेस होंगी आप इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं इफ़ यू मिस द लाइव क्लास. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैथ्स के लिए रोहित सर हैं, मैथ्स के लिए आकाश सर दैट इज़ मी, एंड फिजिक्स के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए टीचर है, बायो के लिए टीचर है, इंग्लिश के लिए टीचर है. अब यहाँ तक आपकी जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं होती. आप देख पा रहे हो मल्टीपल बैचेस हैं, केमिस्ट्री के लिए कुछ और टीचर आपके सामने हैं. तो जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि मल्टीपल बैचेस आपको एक ही प्लस कोर्स में मिलने वाली हैं, ठीक है. आप यहाँ पे फिजिक्स के लिए देखिए, दो दमदार टीचर आपके सामने हैं. सो जितना हो सके बच्चों एक चीज़ पे आप भरोसा रखिए कि जो भी एजुकेटर मिलेंगे काफ़ी अच्छे मिलेंगे और जो लेवल का टीचिंग होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, इट्स अनबीटेबल. ऑल्सो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि ऑफर्स भी चल रहे हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे. सो यू हैव टू यूज द कूपन कोड सर लाइव ए एम. सो सर लाइव ए एम, इस कोड के द्वारा आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप ई एम आई ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं. यस डियर स्टूडेंट, यू कैन अवेल द ई एम आई ऑप्शन, ठीक है. वेरियस यहाँ पे ऑप्शंस हैं, HDFC के हैं, एक्सिस के हैं, बजाज फिनसर्व के हैं. बच्चों प्लस के जो बेहतरीन फायदे हैं मैं आपको इन शॉर्ट बता सकता हूँ कि आपको प्लस के द्वारा सबसे क्या बेहतरीन चीज मिलने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मिलेंगी वो है लाइव क्लासेस. देखिए डियर स्टूडेंट, लाइव क्लासेस के द्वारा आपका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आप डेडिकेटेड रहेंगे, डेली क्लासरूम का फीलिंग आएगा, आप रोज अटेंड कर पाएंगे क्लासेस को. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि लाइव क्लासेस अगर मिस हो गई किसी रीजन की वजह से तो क्या, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वन अनलिमिटेड टाइम. आप जितने बार चाहो बच्चों, एक बार, दो बार, 10 बार देखना चाहो आप देख सकते. We will provide you PDFs as well. ठीक है, mentorship and guidance. ठीक है, हम आपका गाइड की तरह काम करेंगे. We will provide you mentorship, guidance for various exam, strategy, syllabus, updates and all those things. Also, we will tell you the study tips कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है. इसके बाद लाइव क्लासेस तो आप अटेंड कर लोगे, पर डाउट्स का क्या? वी हैव अ डाउट सॉल्विंग बैच. एवरी 4th लेक्चर इज अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर. तो चिंता की कोई बात नहीं बच्चों, आपका डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है. ऑल्सो सिलेबस कवरेज. बच्चों सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, सो सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा. ठीक है, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं बच्चों, टेस्ट सीरीज
यस डियर स्टूडेंट, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसके द्वारा आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, लाइव क्लास के दरमियान पोल्स होते हैं, लीड बोर्ड आते हैं, दिस इज द इंटरैक्टिव वे ऑफ स्टडी, है ना। तो लाइव क्लासेस में आप बाकी बच्चों के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ये लीड बोर्ड भी प्रिपेयर होता है, आप MCQ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल्सो देर इज अ न्यू फीचर सो कॉल्ड एज रेज हैंड फीचर। इस फीचर के द्वारा बच्चों आप ऑडियो से कनेक्टिविटी कर सकते हो, हमें ऑडियो मैसेज भेज सकते हो, जैसे लाइव इंटरेक्शन होता है बच्चों फोन कॉल टाइप, उसी तरीके से आप फोन अ टीचर, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉल अ टीचर फीचर है, आप जैसे ही बटन दबाओगे कनेक्टिविटी आ जाएगी और आप ऑडियो के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑल्सो बच्चों आप फोटोज भेज सकते हो, आपके फोटोज मे बी इट्स अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट जानना है तो आप उन्हें भेज सकते हो, वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। सो एवरी फोर्थ लेक्चर यहाँ पे डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा, सिलेबस का कवरेज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, PDFs एंड गाइडेंस। बच्चों लाइव क्लासेस की जर्नी यहाँ तक खत्म नहीं होती है, आपको लाइव क्लासेस में देख पा रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर अवेलेबल है और फीस भी काफ़ी रीजनेबल है। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, जल्दी से डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने स्कोर को एनहेंस कर सकें। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कूपन कोड सर लाइव AM एज वेल, इसको ज़रूर यूज़ करिएगा।